अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन चिल्ली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और आसान भी है। तो यहाँ पे मैंने दो ब्रेस्ट ले लिया था, चिकन ब्रेस्ट, और इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इस तरह से आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना, ये देखिए। और ये कट होने के बाद हम एक बाउल ले लेंगे। बोल में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये मैंने हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर भी एक्स्ट्रा डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं रेड चिली सॉस, सोया सॉस डाल देंगे और नमक डाल देंगे। जो सॉल्ट है वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। और इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी अच्छी तरह से हम इन मसालों में मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। आधे घंटे के बाद मैंने इसमें एक अंडा ऐड किया है, मैदा ऐड किया है और साथ ही मैं कॉर्नफ्लावर मैं ले रही हूँ, ये भी मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद इसे हम डीप फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए, तो अभी मैंने इसमें सारे चिकन्स को ऐड कर दिया है। तो इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई करेंगे हम। ऑयल अच्छा से आपका गर्म होना चाहिए, तो ये जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे चिकन को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया है, लेकिन अभी इसे मैं निकाल दूँगी और ऑयल को फिर से थोड़ा सा गर्म करके इसे जो ऑयल का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो मैं इसमें फिर चिकन ऐड कर दूँगी। तो इससे चिकन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये हमारा चिकन रेडी है। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल में हम थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक है जो चॉप करके रखा था मैंने, वो ऐड कर देंगे। इसमें बहुत सारा आप जिंजर गार्लिक डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैं 1 टेबल स्पून मैंने अनियन ऐड कर दी थी और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्ची ऐड कर दिए, या आप स्किप भी कर सकते हो। साथ ही में मेरे पास गाजर थी फ्रिज में, तो मैंने वो भी ऐड कर दी और उसे हम सॉटे कर देंगे। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची और कांदा ले लिया है, अनियन, और साथ ही में हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, सोया सॉस ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली सॉस भी हम इसमें ऐड करेंगे, और मैंने विनीगर भी डाला था और टमाटो केचप। तो ये सारा हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, सॉल्ट इसी वक्त हम चेक कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं, और इसे थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिए, काली मिर्चों का पाउडर। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर देना। और साथ ही में हम इसमें फ्राइड चिकन को ऐड कर देंगे, और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन चिल्ली रेडी हो गया है। सिर्फ इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दिया और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया, तो हमारी चिकन चिल्ली की रेसिपी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।